I'd like to start this lesson with a sweet little quote that is one of my favorite quotes as well. So it goes like this, do what you love and love what you do. इसका मतलब है कि आपको जो काम पसंद है आपको वही काम करना चाहिए या आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो काम करना चाहिए और आप जो भी काम करते हैं उसको मन लगा कर करना चाहिए और उस काम को पसंद करना चाहिए. सो ऑन दिस नोट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं. मुझे बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है कि क्या आप एक इंग्लिश टीचर हैं या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. सो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी भी बातें शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ मेरी ही लाइफ से नहीं आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं. तो पहले मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देती हूँ. मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है. उसके बाद मैंने UPSC सिविल सर्विसेज की 4 साल प्रिपरेशन की है बट आई कुडंट क्लियर इट. बट मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मैंने 4 सालों में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उससे मेरी वोकेबलरी डेवलप हुई है और मेरी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हुई है. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यू नेवर फेल यू ऑलवेज लर्न समथिंग इजंट इट. सो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेट सिविल सर्विसेज में ट्राई किया जाए बट उसमें भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई. सिर्फ सेकेंड स्टेज तक ही मैं क्लियर कर पाई. सो स्टेट सर्विसेज में ट्राई करने के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपने मास्टर्स किया है. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि शुरू से मुझे लैंग्वेज लर्निंग बहुत पसंद है. मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस लर्न करना पसंद है पर मैं अपने टैलेंट को कभी पहचान नहीं पाई और कभी ये नहीं पहचान पाई कि ये मेरा प्रोफेशन भी बन सकता है. और मैं सिर्फ इंग्लिश ही नहीं मुझे स्पेनिश में भी बहुत इंटरेस्ट है. सो स्पेनिश लैंग्वेज का भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू शेयर योर जर्नी विद द होल वर्ल्ड. सो आप भी अपना डर भगाइए और आपको जो पसंद है वो करिए और जब भी आपको कोई प्रोफेशन चूज करना हो तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए ना कि अपने फैमिली की या ना कि किसी और बाहर वाले की. सो आप में क्या ऐसा खास टैलेंट है जिसे आप आगे लेकर जा सकते हैं या आप में क्या वो खूबी है वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं कोई और नहीं. फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैंने अपना जो स्किल है वो बहुत पहले पहचान लिया होता तो आज मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होती. बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. आप कभी भी अपनी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप जो चॉइसेस करते हैं लाइफ में वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. मैंने एक 9th class की पोएम भी कवर की है द रोड नॉट टेकन. सो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपके पास 2 रास्ते होते हैं और आप जो चूज करते हैं वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर. इट्स अ वेरी गुड पोएम. अगर आपको पसंद हो आप पढ़ सकते हैं. आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. मैं अपना बैकग्राउंड इतने डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती की वो आप ना करें. हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि सच में मुझे ये करना चाहिए कि नहीं. तो आप खुद से पूछिए कि एक्चुअली आप उसमें कंफर्टेबल है कि नहीं. उसे आप ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप कम से कम 2-3 साल या 4 साल किसी चीज़ में लगा सकते हैं किसी करियर ऑप्शन में और बिना बोर हुए और मन लगा कर आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं तो ज़रूर आप उस प्रोफेशन को चुनिए. अदरवाइज आप वो चुनिए जो आपको पसंद हो. सो मेरे साथ ऐसा ही था कि मैंने 4 साल प्रिपरेशन कर ली तो मुझे कभी कभी लगता था कि आई एम मगिंग अप. मैं रट रही हूँ चीज़ों को और मैं उतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए कुछ डिफरेंट किया जाए. तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा माइंड ब्लॉक हो रहा है मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही है. तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए कुछ डिफरेंट करना चाहिए और अपने स्किल को पहचानना चाहिए. सो मैंने बहुत सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपने लाइफ में. मेरे मन में एक ही बात आई कि आई कैन बी अ लैंग्वेज ट्रेनर. अगर आपने मेरे चैनल का इंट्रो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि 7 साल पहले मैंने लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली थी जस्ट टू नो मोर अबाउट दिस इंग्लिश लैंग्वेज. तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरे बेसिक्स तो क्लियर ही थे और द हिंदू पढ़ के मेरे वोकेबलरी मेरी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो चुकी थी. पर अब क्वेश्चन था कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. स्टार्ट कहाँ से किया जाए. सो ये जो समय चल रहा था वो मई 2020 का था जब लॉकडाउन चल रहा था और उस समय एक ही ऑप्शन था कि ऑनलाइन टीचिंग का. सो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया जाए. सो मैंने अनअकैडमी पे डेमो दिया बट दे रिजेक्टेड माय डेमो फॉर 3 times इन अ रो. तो उन्होंने लगातार 3 बार मेरा जो डेमो है वो रिजेक्ट कर दिया. फिर मैं सोचने लगी कि मैं इतना इम्प्रूव कर रही हूँ बट मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. तो मुझ में क्या कमी है मैं यही सोचने लगी. सो मैंने YouTube पे ही 1-2 videos देखे कि एक्चुअली उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उनका सिलेक्शन प्रोसेस कहीं बदल तो नहीं गया है. सो मुझे पता चला कि वो ओल्ड जो टीचर्स हैं उनको ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और न्यू लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे अभी क्योंकि आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जो है जॉब छिन गई थी. सो दे वर ट्राइंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो इतने एप्लीकेंट्स थे तो उनको मुश्किल था कि वो सबको ले पाए. सो वो क्या करते थे कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं देते थे और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे.
फिर मेरे ब्रदर ने मुझे एंकरेज किया और बोला कि आप यूट्यूब पे चैनल शुरू कर सकते हो, आप खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सो एक कहावत होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो कहावत है ये जो है यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, दिस फिट्स इन वेरी वेल हियर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद वो ये आता है कि इतने सारे क्वालिटी कंटेंट देने वाले या इतने सारे क्रिएटर्स के बीच आपको कैसे ग्रो करना है या आप कैसे ग्रो कर सकते हो। मुझे लगता था कि इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू यू नो ग्रो एंड कम्पीट विद द गुड क्रिएटर्स इन यूट्यूब। सो दिस इज़ हाउ माई यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड। और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए एक क्लासरूम टीचिंग भी स्टार्ट की है विद अकेडमी लेटर बेटर, और लेटर बेटर नाम से ही मेरा इंस्टा पेज भी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड बहुत कुछ कॉन्टेंट डालते रहती हूँ जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और मैंने अपने चैनल के इंट्रो वीडियो में अपने ब्लॉग के बारे में बताया है, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स लिखते रहती हूँ, जिसका नाम है talismanicchange.blogspot.com। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होता है, पास्ट प्रेजेंट में हम कैसे बोलते हैं, तो ये सब आपको अगर सीखना है तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जो मेरी स्टोरी है वो आप में से किसी की भी स्टोरी हो सकती है। तो अगर आप जो सुन रहे हैं मुझे, आपको किसी को भी लगता है कि आप कहीं फंस चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तीन चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने टैलेंट पर विश्वास कीजिए, एंड द थर्ड वन इज़ दैट उस टैलेंट पर काम कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। शुरू में हो सकता है आप उतने अच्छे ना हो, पर रुकिए मत, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, सीखते रहिए, एंड वन डे योर वर्क विल बी रिकग्नाइज बाय ऑल एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। मैं कुछ अपने चैनल के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 7 months हो गए इस चैनल को स्टार्ट किए, बट स्टिल माई चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज। सो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके चैनल पे ना एड्स आने शुरू हो जाते हैं, और मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि हमें एड्स देखना पसंद नहीं होता है, हम चाहते हैं कि एड्स आए ही मत किसी वीडियो पे। एज अ व्यूअर मैं भी यूट्यूब के वीडियोस देखती हूँ, मुझे भी वीडियो देखते समय एड्स आते हैं तो मुझे लगता है कि एड्स क्यों आ रहे हैं, पर उस मोमेंट पे मैं सोचती हूँ कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे एक क्लिक से हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो हम 2 ads तो देख ही सकते हैं ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। सो जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है एड्स देखने में। और आपको पता है कि YouTube क्रिएटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है आप तक अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने के लिए। सो एज अ व्यूअर आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए एंड थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हमारे जैसे YouTube क्रिएटर्स को भी मेहनत का थोड़ा फल मिल पाए। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि YouTube किसी भी वीडियो को तभी लोगों तक पहुँचाता है और प्रमोट करता है जब देखने वाले व्यूअर्स हैं उस वीडियो को ऑनलाइन जो है टाइम दें, ना कि डाउनलोड करके देखें। सो हम एज अ व्यूअर 2 गलतियाँ करते हैं। फर्स्ट इज़ कि हम वीडियो को डाउनलोड करके देख लेते हैं, नॉट ऑल व्यूअर्स, मैं कुछ व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, और कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को खोल लेते हैं उसके बाद उसे बाद में देखते हैं, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं थोड़ा बाद में देख लेते हैं, तो इससे क्या है कि वॉच टाइम काउंट नहीं होता है और जो उस चैनल का ओनर है उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा कीजिए, या तो आप देख के बाद में रिव्यू करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसे ऑनलाइन ही देखा कीजिए। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप फ्री हो तभी कोई वीडियो देखा कीजिए, ताकि जो है यूट्यूब में जो क्रिएटर है उनका वॉच टाइम बढ़े और उनको भी जो है ग्रोथ में हेल्प हो। ये वीडियो मैंने न्यू ईयर के 2 दिन पहले इसीलिए अपलोड किया है ताकि आप जो है अपना नया साल विदाउट फियर एंड विद कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर पाएं। एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल एंड शेयरिंग माय जर्नी विथ यू ऑल। सो ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको स्पीकिंग में कोई फियर है, आपको हेजिटेशन होती है, या आपको स्टेज फियर है, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड श्योरली एड्रेस देम, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, और आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है या कुछ भी शेयर करना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर फैमिली मेम्बर्स, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे इस वीडियो से हेल्प हो सकता है तो प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करें। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन, एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश विद साना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।